तो हेलो गाइस, वेलकम टू द पीजीस ब्लॉग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके। तो अभी चलते हैं। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ अलग से। तो इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ फिर से ब्लॉगिंग पर। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ हमारा नया बाइक जो कि हमने लिया था अप्रॉक्स 10 डेज आगे लिया था या 10-15 डेज आगे। तो आज उसका नंबर प्लेट लगने वाला है। तो अभी गाइज आप लोग को मैं अभी बाइक दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं बाहर। सो गाइज ये चेक करिए, अभी ये है ब्लैक गोल्ड द न्यूली लॉन्च्ड रॉयल एनफील्ड का बुलेट 350 द ब्लैक गोल्ड। तो ये हमने परचेस कर लिया था। तो आज इसका नंबर प्लेट लगने वाला है क्योंकि अभी तक नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो चुका है और आज इसका नंबर प्लेट लगने वाला है। तो चेक करिए गाइस, बहुत ही मस्त एंड स्मूथ बाइक है ये। तो मैंने राइड भी किया हुआ है और बहुत ही मस्त है, चेक कर सकते हैं। सीटिंग पोस्चर वगैरह, कुशनिंग वगैरह सब मस्त है। एंड आपको लगेगा कि सेम फील आपको ये क्लासिक में भी मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं है बिकॉज इसका सीटिंग पोजीशन और इसका कुशनिंग कुछ अलग ही है, क्लासिक की तरह नहीं है। तो हमने लगाया हुआ है अलग से एसेसरीज जो कि है ये बैक रेस्ट विथ बैक माउंट, ये सब ब्लैक में लगाया हुआ है, और ये ब्लैक लेग गार्ड एंड सम गार्ड ओवर हियर। और आफ्टर मार्केट ख़रीदने से बोलिएगा आप, ये मैंने आफ्टर मार्केट ख़रीदा हुआ है मीटर कवर। और अभी मैं चलता हूँ, अभी शोरूम जाएंगे, नंबर प्लेट लगाएंगे आज को तो बाइक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अभी नंबर प्लेट लगने वाला है गाड़ी का। तो अभी देख सकते हैं, अभी नंबर प्लेट ले लिया है मैंने। गाइस अभी नंबर प्लेट लग चुका है और देख सकते हैं मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे ही हूँ। अभी आगे भी लगाएंगे। तो गाइस अभी कंप्लीट हो चुका है देख। सो गाइस अभी नंबर प्लेट लग चुका है, कुछ इस प्रकार का सीन है, अभी गाड़ी कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो वॉशिंग कराने से और आपका पॉलिश वगैरह कराने से गाड़ी और भी साइन करेगा। तो नंबर प्लेट वगैरह भी सब कुछ लग चुका है। तो मुझे लोकेशन नहीं मिल रहा था गाइस, इसलिए मैं हेलीपैड आ गया। तो मिंदापुर का ये हेलीपैड है जो कि पहले बन चुका था। तो अभी देख सकते हैं गाड़ी का लुक्स, स्टैंडर्ड वाला फीलिंग भी आता है कभी कभी, लेकिन आपको पता ही है इंजन तो जे सीरीज का इंजन है जो कि बहुत ही स्मूथ है। और अभी तो अप टू 20 पेट्रोल भी होता है तो इसलिए अभी उतना वाइब्रेशन नहीं है और वो वाला फीलिंग नहीं है बुलेट पर। फिर भी सीटिंग पोस्चर और आपका ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वगैरह देख के तो लुक्स लगता ही है स्टैंडर्ड की तरह ब्लैक गोल्ड में। तो गोल्डन स्ट्रिप्स वगैरह देख सकते हैं एंड डिज़ाइनिंग
लोगो वगैरह, द बुलेट 350 एंड साइलेंसर, तो आपको इसका साउंड भी सुना देते हैं। साउंड तो ज़रूरी है सुनना, बुलेट की शान है। तो अभी सुनाते हैं आप लोग को। बुलेट का डुक डुक, तो कैसा लगा? डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये एक छोटा सा मोटा सा एक ब्लॉग था। तो शूट किधर करे किधर करे, बहुत ही क्राउड था उधर, बिकॉज बहुत जन का आज नंबर प्लेट लग रहा था उधर। तो अभी मैं निकल रहा हूँ और जाऊँगा। तो आप लोग ने नया बाइक तो देख ही लिया मेरा। तो आज से और अभी से मैं इसमें ही व्लॉगिंग वगैरह करूँगा, बिकॉज़ पहली वाले जो बाइक था मेरा, जो CB200X, वो तो सेल कर दिया है और यही लिया है नया। इसमें ही मोटो व्लॉगिंग करूँगा। तो बस चलते हैं। लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। कीप वॉचिंग।